नमस्कार, मैं नीति सैन। आदर्श नगर थाना पुलिस की टीम ने डकैती की गुत्थी को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके चलते ये आरोपी फरार चल रहे थे। लेकिन आदर्श नगर थाना पुलिस की टीम ने चारों आरोपियों को CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। आदर्श नगर थाना पुलिस की टीम ने 1 जनवरी को आज़ादपुर मंडी के मुंशी के साथ 3,24,500 रुपये की डकैती की वारदात को सुलझाते हुए उत्तर प्रदेश से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपियों ने यह पूरी वारदात दिन के करीब 11 बजे 1 जनवरी को अंजाम दी थी और वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। इस मामले को लेकर आदर्श नगर थाना पुलिस की टीम ने राजधानी दिल्ली के करीब 70 किलोमीटर दायरे के CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपियों की तलाश शुरू की गई, जिसके बाद आदर्श नगर थाना पुलिस की टीम को कामयाबी हासिल हुई और इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ आरोपियों के पास से डकैती के पैसों से खरीदा गया एक आईफोन भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 75,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं आरोपियों के पास से आदर्श नगर थाना पुलिस की टीम ने नकदी सहित वह बैग भी बरामद किया है, जिस बैग में आरोपियों ने नकदी को लूटा था। बहरहाल गिरफ्तार चारों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है आदर्श नगर थाना पुलिस की टीम। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।